हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम साइंस पढ़ रहे थे और साइंस को कैसे पढ़ रहे थे, वर्डों की सहायता से। देखिए, आज का हमारा वर्ड है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, देखो यदि मैं इसको दो हिस्सों में ब्रेक करूं, एक तो ये बंदा ऑस्टियो और ये एक बंदा लॉजी। लॉजी सब जहां पे भी आ जाए उसका क्या मतलब है, अध्ययन करना, यानी कि टू स्टडी। और जहां पे भी ऑस्टियो शब्द आ जाए उसका मतलब है हड्डी या अस्थि, हड्डी या अस्थि। देखो, ऑस्टियो शब्द से एक वर्ड बनता है ऑस्टियोलॉजिस्ट। क्या बनता है? ऑस्टियोलॉजिस्ट। ऑस्टियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं भाई? डॉक्टर को कहते हैं जो हड्डी संबंधी बीमारियों का इलाज करता है, यानी कि डॉक्टर है हड्डी संबंधी बीमारियों से संबंधित। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इस ऑस्टियो शब्द से बनता है ऑस्टियो ब्लास्ट। ऑस्टियो ब्लास्ट किसको कहते हैं भाई? यानी कि हड्डी निर्माण को कहते हैं ऑस्टियो ब्लास्ट। हड्डी निर्माण की क्या होगी भाई? प्रक्रिया होगी। हड्डी निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं भाई ऑस्टियोफिकेशन। क्या कहते हैं? ऑस्टियोफिकेशन। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं भाई, हड्डियां किस किस से बनी होती हैं? एक तो तत्व होता है भाई कैल्शियम, एक होता है पोटेशियम। अब ये किस रूप में पाए जाते हैं भाई हड्डियों में? ये होते हैं कैल्शियम के तो तीन अणु बनते हैं और PO4 के दो अणु रहते हैं। और जो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूं भाई, हड्डियां हड्डियों के साथ जुड़े, हड्डियां प्लस हड्डियां जुड़े, हड्डियों का हड्डियों के साथ संयोजन तो कहलाता है लिगामेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं स्नायु। और हड्डियां मांसपेशियों के साथ जुड़े, हड्डियां प्लस मांस, हड्डियों का मांसपेशियों के साथ संयोजन कहलाता है टेंडन, या जिसको हिंदी में कहते हैं कंट्रा, टेंडन, इसको हिंदी में कहते हैं कंट्रा। इतनी बात क्लियर है। देखिए क्या वर्ड पढ़ रहे थे हम, ऑस्टियोलॉजी। यहाँ ऑस्टियो का क्या मतलब है? हड्डी या अस्थि, और लॉजी का मतलब है अध्ययन करना। ऑस्टियो से वर्ड बना ऑस्टियोलॉजिस्ट, यानी कि हड्डी संबंधी डॉक्टर क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजिस्ट। ऑस्टियो से बना ऑस्टियोब्लास्ट, यानी हड्डी निर्माण क्या कहलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियो से क्या बना? ऑस्टियोफिकेशन, हड्डी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑस्टियोफिकेशन। देखो भाई, हड्डी में कौन सा होता है? कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। किस रूप में होते हैं भाई? कैल्शियम के तीन अणु होते हैं और पोटेशियम के दो अणु होते हैं। इतनी बात के लिए, हड्डियों का हड्डियों के साथ संयोजन कहलाता है लिगामेंट, यानी कि स्नायु कहलाता है। और हड्डियों का मांसपेशियों के साथ संयोजन क्या कहलाता है? टेंडन, जिसको हिंदी में कहते हैं कंडरा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।